हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आइए आज हम चलते हैं कन्हैया मित्तल और संजय मित्तल को देखने के लिए वहाँ पर कीर्तन में। माइक ठीक है। हेलो, बोले श्याम प्यारे की जय। जाओ सभी लोग जय। जाओ Thank you.
आइए इस दरबार से मुझे और दो तीन भजन, एक भजन थारे नाम शिव बाबा पहचान है महारी, और आखिर में धमाल। तो आइए बैठिए बैठिए। देखिए प्रेमी, प्रेमी की कल्पना है जिसने एक डाकिया को अपना संदेशा भेजा, उसका बुलावा नहीं आ रहा था बाबा के दरबार में। कई बार इंसान लाख कोशिश करता है लेकिन फिर भी नहीं होता। आपका डाकिया बनने के लिए मैं तैयार हूँ, आपका संदेशा बाबा के दरबार में आपकी हाजिरी पहले लगाऊंगा और मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, ये कल्पना है प्रेमी की। बीच में उठकर मत जाना आप लोग। एक ऐसा सेठ था जिसको जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, दौलत कमाना, पैसा कमाना। उसको दौलत के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। नीचे दुकान थी, गद्दी थी, ऑफिस थी और ऊपर घर था। जब भी वह नीचे ऑफिस में आता उसके बाद रात को 10, 11, 12 जब तक होता कारोबार करता रहता। घर वाले परेशान हमेशा, जब भी बीवी बच्चे आते और कहते कहीं ले चलो हमें, तो वो उनको ये कह करके कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, जहां जाना है चले जाओ लेकिन मुझे कहीं जाने के लिए मत कहो। कोई सामान के लिए अगर परचेजिंग के लिए बच्चे कहते तो तिजोरी से पैसा नहीं। सेठ को दौलत से प्यार था लेकिन बच्चों से भी प्यार था, और उसने बच्चों के आगे अपनी हार मानी और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। दो तीन दिनों की छुट्टी थी, सेठ के बीवी बच्चों ने डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तू कह दीजे, भगत थर दर्शन ने तरसे। डाकिया जा रे कौन 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 संदेशा भेजना चाहता है उठा लो हाथों को और मिलकर आवाज में बोलना, डाकिया जा रे सामने संदेश दीजे, सामने जाए तो कह दीजे, भगत घर दर्शन में तरसे। डाकिया जा रे का संदेशा लेकर पहुंच जाए, ये मिलकर तालियां बजाकर एक साथ में।
से उतरा, तालियां बजाना, उसके दिल झटका लगा। बाबा को नहीं देखा, सबसे पहले उसने थैले में हाथ डाला। जब भी कोई डाकिया आता है, कोरियर वाला आता है, और सुन के चिट्ठी हाथ से निकल गई और टकटकी लगा कर देखता रह गया। पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लागो संदेशो, बन बैठो मद श्याम दीवानो, कुछ न रहो अंदेशो। आखर लिया सुपर सीधार चैया सावन की फुहार, आखर लिया सुपर सीधार चैया सावन की फुहार। डाकिया डाकिया जमीन पर गिर गया, सिर पटकने लगा, आंसू के धार बहने लगे, फूट फूट कर रोने लगा और बाबा से कहने लगा, बाबा पिछले 40-42 सालों से मेरी जिंदगी साइकिल के दो चक्कों के इर्द गिर्द घूम रही है। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, पर मुझे भिजवाया। मेरे रिटायरमेंट में अब 3-4 महीने रह गए, लेकिन मैं अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता। मैं आपके झोंक की आधी रोटी मिल जाएगी, उससे आपका और आपके प्रेमियों के सेवक। अब वो कह रहे हैं, अरे पगले, तुझे वापिस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया था, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे। मेरे उस सेठ भगत के पास जाकर मेरे ये संदेशा का जवाब वापस देकर आ जा, उसके बाद तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। डाकिया को केवट की याद आ गई। जब भगवान राम ने केवट को कहा था, मुझे गंगा पार करा दो, तो केवट ने हाथ जोड़कर कहा, भव सागर पार करने वाले को मैं गंगा पार कराऊंगा। डाकिया ने हाथ जोड़कर कहा, दुनिया का काम बनाने वाले आज मुझे कह रहे हैं कि मेरा काम बना। आखन लिया सुपर सीधार चैया सावन की फुहार, देख सांवरिया बोलो ये वचन, डाकिया जा रे संदेशो सेवक ने दीजे, सेवक संदेश ने तरसे, संदेशो सेवक ने दीजे, सेवक संदेश ने तरसे, सेवक की राह तेरी निरखे, डाकिया जा रे। आती हो आ बुरे बुरे हाथों को उठाकर तेज कर तालियां बजाकर। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, बोलो बोलो, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। हर बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को, मेरे श्याम धनी को भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। तालियां बजाना। जन्म जन्म
की सेवा कर ली थी। उस दिन दया डाकिया आया है और व्हील चेयर पर बैठकर धक्का देते हुए दरवाजे पर पहुंचा। इतनी देर में डाकिया ने 5-7 बार घंटी बजा दी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हैंडल पर हाथ रखा, टस मस नहीं हुआ। कई बार कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। बाहर से बार बार डाकिया घंटी बजा रहा था और अंदर सेठ बार बार हैंडल दबाकर दरवाजा खोलने की। और जब सब्र का बांध टूटा, सब्र का बांध पर रखा और एक जोरदार ताकत लगाकर एक जोरदार जयकार लगाई, हारे के सहारे की, और इतनी ताकत लगाई कि न जाने कहां से कृपा हो गई। सेठ अपने पैरों पर खड़ा हो गया, दरवाजा खुल गया और सेठ दौड़कर बाहर डाकिए के चरणों में जाकर गिर गया। दोनों गले मिलने लगे। डाकिया ने चिट्ठी निकाली, सेठ के हाथों में देने लगा। सेठ ने कहा, मैं पापी हूं, मुझे मत दो, आप बाबा के पास से आए हो, आप सुना दो मेरे बाबा ने। डाकिया ने चिट्ठी सुनाई कि बाबा ने अपने प्रेमी से क्या कहा है, ये आपके लिए भी है प्रेमियों। कह दीजिए तू जाए से बखने, तेरो बुलावो आसी, सबकी आस पुराण हो तो तू कैया रह जासी। हम तेरी सारी जानू बात पूरी कर सी, मन की आस तेरी सारी जानू बात पूरी कर सी, मन की आस पर बढ़ा मेरे कानी कदम। डाकिया जा रे, चिट्ठी का संदेशा सुनकर सेठ नाचने लगा। सुन संदेशो सांवरिये को, मन लो घनो हर सायो, बंध गया पाँव में भूखरिया सा, मन को मोरियो गायो। अम्हारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवन ने तैयार, म्हारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवन ने तैयार, महिमा गावे है कमल किशन। डाकिया जा रे, देखो प्रेमियों भजन खत्म हो गया। मैं आपका डाकिया बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको कहना पड़ेगा, पूरे हाथ उठा लेना, जो जो संदेशा भेजना चाहते हैं पूरे हाथ उठाकर पूरी ताकत लगाकर कहना। क्या डाकिया सामने संदेशो दीजे, सामने जायक कह दीजे, भगत थर दर्शन में तरसे। डाकिया जा रे, डाकिया जा रे, डाकिया जा रे। बल भक्तार भगवान की, बलिए काम बनाने वाले की। आइए प्रेमियों, दूर खड़े क्या देख रहे हो, बोलो दूर खड़े क्या, अरे सांवरिए सरकार कन्हैया ले चल परली पार। कौन कौन परली पार जाना चाहता है, पूरे पूरे हाथों से। अच्छा देखो, ये बार बार हाथों को मैं क्यों उठवा रहा हूँ बताऊं, ये बार बार हाथों को इसलिए उठवा रहा हूँ कि जितनी बार आपने हाथ उठाए हैं उतनी बार मेरे बाबा ने देखे हैं और लिखा है, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार, और जितनी बार हाथ उठाए हैं उतनी बार सांवरिया नजर आएगा, उतनी बार काम बनाएगा मेरा बाबा।
पूरे पूरे हाथ उठाना, जहां बिराजे राधे रानी, बोलो जहां अलबेली सरदार कन्हैया ले चल कर लीता, कन्हैया ले चल कर लीता, जहां बिराजे की नैया, मैं तो हूँ कागज की नैया, ना कोई माझी ना है खेवैया, ना कोई माझी ना है खेवैया, बनना विक प्रभु नाम संभालो, बनना विक प्रभु नाम संभालो, क्यों छोड़ी मजदार कन्हैया ले चल राधे रानी, जहाँ पीरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल श्याम का जमाना आ गया, खट वाले श्याम का जमाना आ गया, किसने देखा श्याम को दीवाना हो गया, किसने देखा श्याम को दीवाना हो गया, we'll be right back.
बोलिए सच्चे दरबार की। आइए प्रेमियों, समय बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है और ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। दो भजन बाबा के श्री चरणों में, एक भजन जा रहा था रास्ते में, उसका कोई मित्र मिल गया, उसे बोला खाटू चलेगा? बोला यार कहां खाटू, कौन सा खाटू? उसने बोला बाबा का दरबार है और मैं हर महीने जाता हूँ, कई बार महीने में दो बार भी जाता हूँ और वहां जाकर काम बन जाते हैं, चलेगा? बोले नहीं यार, मुझे नहीं Thank you.
कुछ तो है सरकार ने, अरे क्या रखा है झूठी दुनियादारी, और जोर से बोलो बोलो, कुछ तो छड़ी कर हाथों में हो को उपजाओ सब बिल्कुल खाली कर दो एकदम ना बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब भैया आ जाओ इससे खाली करो जगह दे दो भैया कर जाओ सब जाइए यहाँ नहीं हो सकता यहाँ तो लेकिन यहाँ नुकसान नहीं हो सकता सर कोई नुकसान नहीं हो सकता आइए ओके गोनी जी आप गोनी जी है ना प्रसाद में कम आ आराम से भाई आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है अब नहीं बरसेगा लेकिन एक बार कर दो तो फिर छेड़ो मत कहां से है ये यहीं से विकास नगर से बहुत अच्छे थोड़ा बेस कम कर दो दुखी कम कर दो दुखी दुखी कम कर दो दुखी ठीक है पैर बढ़ाओ ओके दुखी कम करो हाँ और होमिंग नहीं होगा दुखी कम करो हाँ और कम करो यहाँ कम करो ठीक है ढोलक तबला बजाओ सिर्फ बाकी मत बजाओ कुछ नहीं सिर्फ तबला आ रहा है ढोलक है ही नहीं तबला छोड़ दो ढोलक बजाओ तबले की डुग्गी कम करो ढोलक की डुग्गी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ा दो बढ़ा दो नजदीक का ही यही है बढ़ा दो बढ़ाओ और बढ़ाओ यहाँ नहीं आ रहा हाँ ओके तबला भी आओ साथ में इसका डुग्गी का माइक पीछे कर लो तबले की डुग्गी का माइक पीछे कर लो उनसे कंट्रोल कम हो रहा है अब बजाओ हाँ ढोल
सूखा है तो बैठ जाइए, गीला हो तो मत बैठना भाई। सूखा है नहीं है तो भाई देखो आप मुझे दोबारा मत कहना कि बैठ जाओ, मैं कैसे कह दूं गीले में बैठ जाओ यार। ठीक है ओके, जो आगे खड़े वो बैठ जी। करें शुरू अब ठीक रहेगा। देखो करंसी के लिए पाउंड चाहिए, क्रिकेट के लिए ग्राउंड चाहिए और विकास नगर में कीर्तन के लिए साउंड चाहिए। बढ़ा दे लो मेरा, बढ़ा दो हल्का सा सराउंड दे लो मुझे हल्का सा बस। पूर्वजों का
तीसरे दिन ही उठाला कर देता है, समझे। कोई मृत्यु हुई हो, कोई 13 दिन की जगह 3 दिन में उठाला कर देता है कि टाइम नहीं है, उन्हें पितृदोष होता है, उसके अलावा किसी को पितृदोष नहीं होता। अरे जिस आदमी ने 60 साल दे दिए, उन्हें तुम जाने के बाद 13 दिन नहीं दे सकते साहब, तो वो नाराज ही होगा, कहां से खुश होगा। और आपको लगता हो कि आपको आपके पितर कैसे खुश होंगे, तो मैं बता दूं, स्वर्ग एक है कि दो है, जोर से बोलो। इस समय आपके दादा भी वहां बैठे होंगे और मेरे दादा भी वहां बैठे होंगे, और क्या बात कर रहे होंगे कि वाह भाई वाह, मजा आ गया, तेरा पोता भी भगवाधारी विकास नगर में बैठा है और मेरा पोता भी भगवाधारी विकास नगर में बैठा है। उन जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा, 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 जय हो पितर देवा, जय हो पितर देवा। आप खुशकिस्मत हो, गंगा भी आपके पास है, बाद में जब कंधे पे रखा होगा तेरे कान में राम का नाम गाया जाएगा। कोई कहे मैं हरिद्वार नहीं जाता, मैं गंगा माँ को नहीं मानता, बोला ना मान, लेकिन जब मरना लग जाएगा, आशिक कितने आए और भगत कितने आए हैं एक बार में। फटू वाले श्याम जी जब चढ़ी कुमारी तेरे नाम की परवा नहीं संसार, चढ़ी कुमारी तेरे नाम की परवा नहीं संसार, चढ़ी कुमारी तेरे नाम की परवा नहीं संसार, चढ़ी कुमारी तेरे नाम की परवा। खोल लो भैया, हटू जाने के लिए तैयार रहता है, हटू जाने के लिए तैयार रहता है, कौन कौन तैयार है खाटू जाने के लिए भाई, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है, और दिन में सबसे बार जैसी शाम कहता है, दिन में सबसे बार जैसी शाम कहता है, और प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है। बाबा का भगत हेलो नहीं बोलता, क्या बोलता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, और खाटू जाने के लिए तैयार करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है खाटू श्याम जी, 600 नहीं पड़ता, 500 पातियों से बाबा बोलनी बनेगी, बाबा वो डरता नहीं है, दिखता ही और जिन्हें दिखता ही बस घन श्याम हो, परवा नहीं संसार, दिखता ही बस घन श्याम हो, परवा नहीं संसार। मेरे साथ गाओगे एक बार, और खाटू वाले श्याम जी इधर वाले पास हो गए, आपकी बारी, खाटू वाले श्याम जी इधर वाले डबल पास हो गए, एक बार और चेक करते हैं, खाटू वाले श्याम जी और उत्तराखंड भी बाबा, और जब चढ़ेगी कुमारी जय
श्याम बाबा, ये पहली अर्जी लगाने जा रहा हूँ विकास नगर में। आज इस दरबार में जो उठाए दोनों हाथ, आप पक्का नाम का हाथ, और जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली, और जो बचाए आपके नाम का शोर, कभी ना रहे कमजोर। श्याम बाबा के जैसा कोई दाती नहीं, श्याम बाबा के जैसा कोई दाती। चलते चलते ये नहीं जाता, आज कुछ ना कुछ तगड़ा ही लफड़ाएंगे जो जा रहा है। उसको क्या पता जो 4 घंटे पहले दुकान बढ़ाई है, कल उतनी कमाई 4 मिनट में बैठकर करेंगे भाई। और जिन्हें दिखता ही बस घर शाम हो परवा नहीं संसार, विकास नगर के बाहर से भी आया कोई? देहरादून से कौन कौन आए, हरिद्वार से कौन कौन आए? दोनों हाथ उठाकर गाना है एक बार। पांडा साहब से कौन कौन आया? खाटू लेकर जाएगा भाई। और ये नौजवान देख रहा हूं मैं, जाकर बताऊंगा दुनिया को, ये लाइव भी चल रहा है, कि विकास नगर की जवानी अगर नशा करती है तो सांवरे के नाम का नशा करती है। चलो हाथ उठा के अंदर ताली बजा के एक का भैया कीबोर्ड दे दो, कीबोर्ड मुझे इस पे साइन चाहिए? नहीं, ये पेंटिंग नहीं है, ये जगत का मालिक है, ये इसने सिग्नेचर कर दिया तो बात बन जाएगी, ठीक है ना? कभी भी नहीं, ओके? इसको पकड़ो, इसको ऐसे करके ले जाओ। मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी। I'm gonna get you out of here.
कोई नाम न करे झोली भर में बाबा मैं सरिया माता हूँ झोली भर में बाबा मैं सरिया माता हूँ कौन कौन झोली भरने आए बोलिए लखदातार की झोली भरने बाबा मैं सरिया माला मित्तल है माला मित्तल जपे तेरे नाम की परवाह नहीं किस किस को परवाह नहीं है संसार की बाबा के आगे दोनों हाथ खोलकर जब चढ़ेगी जब चढ़ेगी कुमारी तेरे नाम की परवाह नहीं संसार जो बैठ कर गा सकते हैं बहुत अच्छी बात है बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर और गाइए इस मंत्र को ओम श्री श्याम देवाय नमः ओम श्री श्याम देवाय नमः भीड़ ज्यादा है कोई और जगह ले जाएगा बैठ जाओ जल्दी से बैठ जाओ एक सेकंड क्योंकि जब बैठते हो तो तीन की जगह लेते हो जल्दी से बैठ जाओ कोई खड़ा ना हो बैठ जाओ बाबा का मंत्र गाएंगे बैठ जाइए कौन सी दिशा मैं आपकी कसम नहीं खा सकता मगर आपको मेरी कसम है आज जो उठाकर दोनों हाथ आपका मंत्र गा दे आप उनके साथ चले जाना जो ताली बजा दे 12 महीने दिवाली बना दे जो लगा दे जयकारा उनका बन जाओ सहारा ओम सी दिशा बैठ जाइए जीतों का एक दिन मेरा दिल ये कहता है मेरे मां जी बन जा मेरी नाम चला जा रोते को तुम गले लगा जा भैया ये मिस कर रहा है ये माइक मिस कर रहा है गाने की उसूल है साहब हारना नहीं हारना मना है जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके संतान नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार कर बैठ जाएं इंतजार करें पहले पर इंतजार ना कर पाएं तो अनाथ आश्रम में से किसी अनाथ को लेकर गोद लेकर अपने जीवन को चलाएं कोई बात नहीं काजू बादाम की कर लेना यार काजू बादाम की ना चले तो स्पेयर पार्ट की कर लेना यार स्पेयर पार्ट की ना चले तो LIC करनी शुरू कर देना यार LIC की ना चले तो कुछ और काम करना लेकिन हार ना मत
क्योंकि इस दुनिया में करोड़पतियों को कोई नमस्कार नहीं करता, उन लोगों को नमस्कार किया जाता है जो जिंदगी में कभी हार दे नहीं, उनको नमस्कार। खरबोपति लोगों की तिजोरियां भरी पड़ी है, कोई नमस्ते नहीं देता, मगर अमीरी तो वो होती है कि चाहे विकास नगर में साइकिल पे भी घूमते हैं, लेकिन जिस गली से निकलते हैं सामने वाला जय सिया राम बोलता है, अमीरी किसे कहते हैं। इसलिए हारना मना है सा, एक बार गाओ, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये, मेरे माझी मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाह तुम गले। मैं सच बताऊं, आज बड़े दिनों के बाद इतना सुंदर दरबार देख रहा हूं मैं, लगते हैं दरबार लेकिन ऐसी रौनक नहीं मिलती सर। क्या मुस्कुरा कर बाबा बैठा है आज दरबार में। बाबा कोई भी विकास नगर में हार कर नहीं जाना चाहिए, विकास नगर में इनका विकास होना चाहिए सर, इनका विकास होना चाहिए। कौन कौन बाबा को अर्जी लगाएगा, दोनों हाथ खोलकर आ जाओ। विकास नगर में रहने वाले कभी निराश नहीं होते, इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती है जनाब जिनके हाथ नहीं होते। हमें तो हाथ दिए हैं, बजा लो ताली जरा, ताली सुनो जरा एक बार। कहता है
परिवार गुड़गाता है भगवान को। ताली बजा दो एक परिवार में तेरे गुण गाता, परिवार में तेरे गुण गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, उन्हें तुझ पे भरोसा है उन्हें पाला पोसा है, उन्हें तुझ पे भरोसा है उन्हें पाला पोसा है, इंतजार करा करना, इंतजार जरा करना, तुम धीरे जरा करना, तुम धीरे जरा करना, दिल की बातें तुम बस बाबा से करना, दुनिया तो खे बाजा दी ये सौ सौ मित्र बनाती लौटा देश, जिसके दरवाजे पे लिखा हारे का सहारा बाबा शाह, हारे का सहारा बाबा शाह, किस किस का है बाबा जरा ताली बजे, ये बात एक दो चार दिन पहले एक भजन रिलीज किया था हमने, हारूंगा नहीं, लगभग दादा थोड़ा कीबोर्ड कम कर दो आप अपनी तरफ से ना, या घटाओ थोड़ा, थोड़ा घटाओ बहुत बड़ा हो, लगभग चार दिनों में 15 लाख से ज्यादा भक्तों ने उसको देखा। मैं चाहता हूं विकास नगर में भी गाया जाए, गाओगे सुनना। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो बाबा गले लगा ले, मैं चलते चलते अब थकने लगा हूँ, दुनिया को मैं अच्छा लगा। आगे सुनो सुनो भैया, रिवर्ब काट दो इसका, इसको क्यों छेड़ते हो यार, मेरे माइक को क्यों छेड़ते हो, फ्लैट कर दो इसको। दुनिया को मैं दिखता अकेले, दिखता अकेला अकेला, पर मेरे साथ है तेरा साया, पर मेरे साथ है तेरा साया, जिन पर तेरी, लेकिन जब नाता जुड़ जाता है तो धर्मशाला में बैठता ही नहीं है, बार बार चक्कर काटता रहता है, बार 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 बार। और जिन पर तेरी कृपा हुई है, जिन पर तेरी कृपा हुई है, समझे तेरी माया, वो ही समझे तेरी माया, वो ही समझे तेरी माया, वो ही समझे तेरी माया। ये बात सच्ची हो तो गाना, बात सच्ची हो तो गाना।
रोती रोती हंसने लगा हूँ, रोते रोते हंसने लगा हूँ, हंसते हंसते गले लगा ले, हंसते हंसते गले लगा ले। किस किस का गले लगाएगा बाबा, किस किस का गले लगाएगा, हंसते हंसते गले लगा ले, ये विकास नगर वाले हैं, आपसे मेरा निवेदन है, इनका कर्जा यहां मां गंगा विराजती है और आपको प्रसाद में बिना गंगा के, बिना गंगा जल के आपका प्रसाद नहीं बन सकता, तो इसका मतलब इनसे नाता आपका पुराना है, तो अगर ये उठाए दोनों हाथ तो गंगा जी के साथ पहुंचे खाटू धाम आपके साथ, जो बजाए ताली 12 महीने बनाएंगे। आप सब खाटू जानते हैं, आगे वाले जानते होंगे, कौन कौन गए खाटू, नहीं नहीं आगे तो गए नहीं, खाटू कौन कौन नहीं गया, हाँ और जो गया है आप सब गाना, घर से चला मैं तेरे भरोसे, संग लेकर परिवार सांवरे, संग लेकर परिवार, कौन कौन परिवार को लेके जाएगा खाटू, लेकर परिवार सावरे, संग लेकर परिवार सावरे, मेरे घर का, अगर ये लाइन अच्छी लगे तो जोर से गाना भाई, मेरे घर का बच्चा, मेरे घर का है तुझे प्यार, जो प्यार करते हैं बाबा को एक बार शोर मचा के बता दो जोर से, घर का है तुझे प्यार सावरे, घर का है तुझे प्यार सावरे, घर का आप खुद ही संस्था के लोग होकर व्यवस्था खराब करते हो, या यहां आ जाओ, मैंने तो मेरा मंच ही छोड़ दिया जो मेरे लिए है, घर से चला मैं तेरे भरोसे, संग लेकर परिवार सामने, मेरे घर का बच्चा बच्चा, करता है तुझे प्यार सामने, और ये लाइन आपको गानी है, मैं निर्धन हूँ मुरली वाले, मुरली वाले इस निर्धन से प्यार निभा ले, इस निर्धन से प्यार निभा ले, कौन कौन प्यार निभाएगा, दोनों हाथ खोलकर, मैं निर्धन हूँ निभाले, थकने लगा हूँ।
पता यहाँ से आ जाए, पर क्या पता यहाँ से आ जाए। तालियां बता देगी आएंगे कि नहीं आएंगे, चलो हाथ उठाकर मिलकर कह देना एक बार सब ताली मिलाकर जोरदार ये बात। आशा रख पगली आए, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, आशा रख पगली आएगी। उसका कारण है पता नहीं, कोई ऐसी शक्ति है भैया। बैठ जाओ यार, क्या तकलीफ है यार, क्या हुआ, तार जुड़ती है फिर टूट जाती है साहब। पर्ची यहाँ मंच पे कोई नहीं है ऐसा जो पर्ची में लिख ले, यहाँ मंच संचालक ही नहीं आपका, पर्ची में लिखिए साहब, आप तो रोज कीर्तन में होते हैं, पर्ची में लिखिए अगले की समस्या दूर कीजिए, मेरे पास पर्ची भेजिए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। देखो पीछे ये ना गलत बात है, अगर आप बात नहीं मानते प्लीज थोड़ा थोड़ा कहा हो सांवरिया ओ यारा वे, कहा हो सांवरिया ओ मुझे तेरा सहारा है, ओ भीगी पलकों ने शाम। कौन कौन पुकारेगा, आ जाओ भाई। आपके पास प्रवेश है,
तो ऐसी ताली बजे जब बाबा सुबह सुबह स्नान करे गंगा जल से, तो विकास नगर याद आ जाए, कभी हरिद्वार याद आ जाए, कभी रुड़की याद आ जाए। सरो हाथ उठा के जरा ताली बजे। ना डरा है सब
अगर मोदी जी राम है, योगी जी हनुमान है, तो धामी जी अंगद है और बाकी सब वानर सेना है। कौन है वानर सेना? जैसे तिरंगा मेरे भारत की शान है, जैसे तिरंगा मेरे भारत की शान है। मुझे लोग कहते हैं बोले आप मोदी जी योगी जी इनको इंप्रेस करने के लिए गाते हो। मैं बता दूं और माइक लाइट चल रहा है, जिस समय ये लिखा था ना जो राम को लाए हैं, मुझे नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है। मुझे बस ये पता था एक योगी आदित्यनाथ है जिसने उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म कर दी है। इसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं। मोदी जी के लिए इसलिए बोलता हूँ, 10 साल से नहीं बोलता, 4 साल से बोलता हूँ, क्योंकि 4 साल पहले ही मेरे राम मंदिर का फैसला देख रहा है। उससे पहले मैं भी नाम लेता था। अरे जो करेगा उसका नाम लिया जाएगा। कोई स्पोर्ट्स में मेडल लेकर आता है तो स्पोर्ट्स वाले उसकी तारीफ करते हैं, कोई हेल्थ में मेडल लेकर आता है तो हेल्थ वाले उसकी तारीफ करते हैं। अरे मेरे राम मंदिर का फैसला आ रहा है और मैं चुप रह जाऊं साहब, ये कैसे हो सकता है? जैसे तिरंगा मेरे भारत की शान है, जैसे तिरंगा मेरे भारत की शान है, वैसे ही भगवा हम हिंदुओं की जान है, वैसे ही भगवा हम हिंदुओं की जान है। अपने घर पे भगवा झंडा लगाना तीन फायदे, किसी को बताना नहीं पड़ेगा घर किसका है। दूसरा फायदा, जब एक गली में 100 मकान होंगे और 100 के 100 के ऊपर भगवा झंडा होगा तो 101वां भी भगवा धारी ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। और तीसरा फायदा, झंडा उन्हीं के लगता है जो विजयी होते हैं, हारे हुए का झंडा नहीं लगता है भाई। तो हाथ उठाकर कहना, हम लहराएंगे भगवा, हम लहराएंगे भगवा, मथुरा की भी बारी हो गई है। 2 लाइनें उसके लिए भी सुनाता जाऊंगा, सुना दो। जितने बच्चे कलंक है सारे पिता मेरे, जितने बच्चे कलंक है सारे मिटा देंगे। भगवाधारी आ गए हैं मथुरा सजा देंगे, जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं, जो राम के बंदे हैं उसका साथ दूसरा ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही जगह है। आओ जरा दरबारी दिखाओ,
तू कृपा कर बाबा। जाता जाता सुना कर जाऊंगा सर, क्योंकि आज वाकई विकास नगर में एक बार विकास नगर के लिए तालियां बजा रहे हैं। आया भाई Yeah.